भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नई दिल्ली के केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित तथा राज्य दत्तक संसाधन अभिकरण दमन द्वारा दत्तक ग्रहण को सरल प्रक्रिया के अंतर्गत जरूरतमंद व्यक्ति को दत्तक लेने के संदर्भ में राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी द्वारा दमन में स्थित मीरामार होटल के सभागार में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में दमन समाहर्ता संदीप कुमार, समाज कल्याण सचिव पूजा जैन, सम्मेकित बाल संरक्षण योजना के प्रोग्राम मैनेजर संजीव पंड्या, जिला बाल संरक्षण अधिकारी मोनिका बारड सहित की उपस्थिति रही। इस दौरान उपस्थित महाअनुभवों ने पुत्र या पुत्री का दत्तक ग्रहण करने वाले माता पिता एवं बच्चे के बीच कानूनी रिश्ता, विधिवत कार्य प्रणाली और इससे समाज पर पड़ने वाला सकारात्मक प्रभाव सहित विभिन्न प्रक्रियाओं की जानकारी दी थी। ये प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर ने रखा है और कारा की कोलैबोरेशन में रखा है। कारा एक सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की। ये रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स ऑन एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड को और जानने के लिए, हमारे सभी स्टेक होल्डर्स को बताने के लिए रखा है। जो लोग आए हैं आज इस प्रोग्राम के अंदर, वो हमारे CWC, JJB मेंबर्स, SGPU जो स्टेट जुवेनाइल पुलिस यूनिट होती है, दीव से भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं, आंगनवाड़ी से वर्कर्स हैं, तो ऐसे ही कॉम्पोजिशन है आज के इसके। मैडम, खासतौर पर कोई उपस्थित रहा है बाहर से? बाहर से तो बस जो हमारे रिसोर्स पर्सन है वही हैं, बाकी तो हमारे सब एडमिनिस्ट्रेशन के ही, डिपार्टमेंट्स के ही बेसिकली लोग हैं। जो रिस्पॉन्सिबल बेसिकली ये है कि वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, आगे उस चीज़ को फैलाएंगे तो पहले वो सेंसिटाइज होंगे, तो हम ये ग्राउंड तक, ग्रास रूट तक बात ले जा सकते हैं।